हे कृष्णा, मेरा नाम दामोदर लीला दास है। मैं महाराष्ट्र बीड से हूँ। तो 2003 में इस्कॉन बीड में मेरे मित्र थे महामंत्र बाबू, गौरदेव बाबू। वो पहले से ही इस्कॉन मंदिर में जाते थे और मैं मेडिकल में काम करता था। तो उस टाइम पे वो मेडिकल मेरे फ्रेंड मित्र थे। तो फिर उन्होंने मुझे एक बार यूनाइट किया। हर रविवार में इस्कॉन मंदिर में बहुत सारा बहुत अच्छा आध्यात्मिक कार्यक्रम होता है, आप आ सकते हैं। तो फिर मैं इस्कॉन मंदिर में गया। फिर मेरे को वहाँ पे प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। सब भक्त कीर्तन में नाच रहे हैं, प्रवचन है, बाद में प्रसाद है। बाद में मैं जब मुझे समय मिलता था तब मैं डेली मंदिर में जाता था। फिर जब वहाँ पे मंदिर के कुछ भक्तों से मेरा परिचय हुआ, फिर वो भक्त बोले आप एक किताब है थोड़ी छोटी मोटी, कृपा जी उन्होंने किताब दिया। फिर मैं किताब पढ़ता लेने के लिए घर जाता था, फिर उनको पढ़ के फिर उनको वापिस देता था। ऐसे बहुत सारे कृपा जी किताब पढ़े, फिर भगवत गीता भी लिया, फिर घर में जाके डेली भगवत गीता पढ़ता था। ऐसा इस्कॉन में ज्वाइन किया, फिर एक एक माला चालू किया, जप माला किया। ऐसे धीरे 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 फिर 2003 से ही एक एक माला के आगे 2005-06 से सारा माला में चालू किया जप करने का। फिर 2007 में मैं इस्कॉन में फुल टाइम हुआ। फिर एक साल में तिरुपति में था, फिर एक साल लातूर सेंटर में था। फिर 2009 में ऑल इंडिया पदयात्रा वहाँ पे आया था। उसके पहले हम 2009 में 8 में ऑल इंडिया पदयात्रा का 25 साल प्रोग्राम होता पंडरपुर में, तब मैं लातूर से में कुछ भक्त वहाँ पे गया था। परम पूज्य राम महाराज बहुत सीनियर सीनियर भक्त वहाँ पे आए थे, उन्होंने पदयात्रा के बारे में एक्सपीरियंस बताया, वो भी सुना, बहुत अच्छा लगा। बाद में 2009 में जब लातूर में पदयात्रा आया था तो अलग अलग जगह पे बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। फिर ऑल इंडिया पदयात्रा लातूर से सिटी से बाहर चला गया तो मुझे बहुत दुख लगा और अच्छा नहीं लग रहा था सेंटर में रहने का। तो फिर मैं वहाँ पे सेंटर के अध्यक्ष थे श्रीमान चैतन्य लीला बो, तो उनको कहा कि मुझे थोड़ा कुछ दिन के लिए पदयात्रा में जाने का इच्छा हो रहा है तो जाने दीजिए। तो वो तो मना करे थे पहले कि यहाँ पे कोई सेंटर में नहीं है, आप मत रुको, मत जाइए वहाँ पे, यहाँ रुको, आप चाहिए तो मैं आपको वृंदावन में कहा यात्रा के लिए जाके भेजता हूँ। नहीं बोला नहीं, कुछ दिन के लिए मुझे कम से कम 7-10 दिन के लिए कम भेज दो, बाद में देखेंगे। फिर मैं ऑल इंडिया पदयात्रा में गया। फिर 7 दिन के बाद उनको आचार्य बाबू का फ़ोन आ रहा था, मेरे पास तो फ़ोन नहीं था, आचार्य बाबू का उनके फ़ोन पर फ़ोन आ रहा था। फिर वो आने के लिए कह रहे थे, फिर मैं बोला नहीं मुझे यहाँ भी अच्छा लग रहा है, मुझे यहाँ रहने दीजिए। फिर मैं वही रहा ऑल इंडिया पदयात्रा में 2019 तक। फिर स्टार्टिंग में 2009 से मुझे ज्वाइन किया, तब एक साल में मैं शुरुआत में ग्रंथ वितरण किया, बाकी दूसरा भी छोटा मोटा सेवा किया। तो आचार्य प्रभु जी कृपा से बहुत सारा सेवा में करते रहा। आचार्य प्रभु सब भक्तों से सब प्रेम से व्यवहार करते हैं और मेरे को भी लगा मुझे भी बहुत अच्छा मतलब प्रेम कर रहे हैं वो, मतलब मैं उनके आश्रित हूँ, ऐसा लगा, बहुत अच्छा लगा उनको आश्रित होके। तो फिर उन्होंने फिर मेरे को एक साल के बाद किचन सेवा दिया। किचन सेवा में एक बार पूछा था कि आपको किचन आता है क्या, मैं बोला मैं लातूर में हम मैं 5-6 भक्तों का या ज़्यादा 10 भक्तों को मैं दाल रही सब्जी बना सकता हूँ, ठीक है। फिर आप यहीं पर भी 20-25 भक्त है वहाँ पे, आप सेवा करो, मैं ट्राई करो किचन का। फिर मैं उनकी कृपा से मैं ट्राई किया। फिर स्टार्टिंग में थोड़ा भक्तों को अच्छा नहीं लगा था प्रसाद सब्जी वब्जी कैसा उनका, जैसे भक्तों को जैसे चाहिए तो ऐसा नहीं भरता। फिर मैं भक्तों का राह लेके कैसे बनाना इतना मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, फिर उनसे राह लेके और आपको कैसे सब्जी बनानी चाहिए उनका राह लेके, फिर धीरे धीरे मैं किचन बना देगा। कम से कम 7 साल में फिर ऑल इंडिया में सेवा किया किचन का। फिर कुछ साल में किचन सेवा करने के बाद पहले सेवा भी किया। अच्छा सब भक्तों को अलग सेवा में
पारंग गए थे, विशेष करके मेरे को तो सब सेवा में उन्होंने डाल दिया। जैसे बैल सेवा है, मैं बैल सेवा भी किया एक डेढ़ साल, किचन सेवा में तो किया 7 साल, बाद में अकाउंट सेवा भी किया, बस सारी सेवा में मेरे को सब सेवा में अच्छा लगा। बाद में 2019 में परम पूज्य लखनऊ स्वामी गुरु महाराज नागपुर आए थे सुप्रिया दुर्गा एक बार मिलने के लिए, और सभी भक्तों को एक बार मीटिंग में बात कर रहे थे कि हाँ ये पदयात्रा ऑल इंडिया पदयात्रा मदद पदयात्रा है। तो जब एक माँ को जब बच्चा होता है तब ही वो माँ अच्छा मतलब हाँ अच्छी मानी जाती है, माँ बच्चे होता है तब। तो हमको इतना क्लियर समझ में आया, बाद में समझ में आया कि ऑल इंडिया पदयात्रा एक मदर पदयात्रा है, इससे बच्चे होना चाहिए, मतलब इसका भी अलग अलग स्टेट में पदयात्रा होना चाहिए, ऐसे बाद में गुरु महाराज ने बताया। तो बाद में समझ में आया कि हाँ गुरु महाराज चाहते हैं महाराष्ट्र में भी एक पदयात्रा हो। तो आचार्य वो और कृष्ण भक्त और शिव भक्तों ने मीटिंग करके फिर सुझाव दिया कि आप पंचायत बन सकते हैं, आप 9-10 साल से है चालू कीजिए। मैं तो पहले मना कर रहा था, मुझे मैं इतना एक्सपीरियंस मतलब इतना मैनेजर का एक्सपीरियंस नहीं था। हाँ सेवा कुछ भी बोल दीजिए, सेवा करने के लिए मतलब एक्सपीरियंस था मगर मैनेजर का कुछ इतना एक्सपीरियंस नहीं था। फिर आचार्य वो बोले ठीक है ये हमको अभी पता चालू करना है, आप कीजिए चालू कीजिए। तो फिर आचार्य वो और गुरु महाराज सभी वैष्णव वरिष्ठ वैष्णव से कृपा से मैं फिर महाराष्ट्र पदयात्रा चालू किया 2019 में गुरु महाराज जी का 70वां व्यास पूजा था। तब अभी पिछले 5 साल से महाराष्ट्र पदयात्रा भी चालू है, हमारे ब्रजमंडल में हम 2010 से ही कंटिन्यू हर साल हम ब्रजमंडल में आते हैं। खाली जगह एक बार 2021 में शायद कोरोना था उस टाइम भी हम महाराष्ट्र पदयात्रा भक्त नहीं आए थे 2020 में। तो 2019 परम पूज्य लखनऊ स्वामी गुरु महाराज 70वीं व्यास पूजा थी, तभी ऑल इंडिया पदयात्रा भी पंडरपुर में आई थी, तभी महाराष्ट्र पदयात्रा चालू होने वाली थी। तो गुरु महाराज बोले कि ऑल इंडिया पदयात्रा और महाराष्ट्र पदयात्रा पहले साथ में चलिए, ऑल इंडिया के पीछे महाराष्ट्र पदयात्रा चलिए कुछ दिन के लिए, 8-10 दिन फिर हम ऑल इंडिया पदयात्रा के साथ साथ में चले गए 8 दिन में। फिर 8 दिन के बाद फिर हम ऑल इंडिया पदयात्रा एक तरफ गई, फिर महाराष्ट्र के सातारा हो गए, फिर हम महाराष्ट्र बाहर जाने वाली थी, और फिर महाराष्ट्र पदयात्रा सातारा फिर कोल्हापुर होके फिर उधर महाराष्ट्र में घूमने के लिए सब भक्त ऑल इंडिया पदयात्रा से कुछ भक्त चार पांच भक्त लेके, और फिर हम कुछ नए भक्त थे 2-4 ऐसे 8-10 भक्त मिलके हम महाराष्ट्र पदयात्रा चालू किया 2019 में। फिर गुरु महाराज ने कहा था कि जैसे चैतन्य महाप्रभु बोले थे कि पृथ्वी से नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो भी मोर नाम, कि पृथ्वी के हर गांव में है ना हर ग्राम में ये चैतन्य महाप्रभु वाणी का प्रचार होना चाहिए। तो महाराष्ट्र में भी इसलिए पदयात्रा निकला कि हर गांव गांव में जाके चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार होना चाहिए। एक बार गुरु महाराज जी बता रहे थे कि प्रभात जी ने कहा था कि जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश नहीं तो हरे कृष्ण उपदेश, मतलब गांव गांव में जाके आप हरे कृष्ण लोगों से बुलवाइए, क्योंकि हरे कृष्ण मंत्र कलयुग का युग धर्म है, और चैतन्य महाप्रभु ने गोलोक धाम से ये लेके आए गोलोक प्रेम धना हरिनाम संकीर्तन। जैसे हम लोगों को आप उपदेश देंगे तो सुनने के लिए तैयार नहीं होते प्रवचन, पर कम से कम लोगों को आप गाँव में जाके हरे कृष्ण मंत्र बुला सकते हैं आराम से। तो गुरु महाराज ने हमको महाराष्ट्र पदयात्रा हम भक्तों से भी कहा था कि पहले कि आप गाँव में जाइए हर घर घर में जाइए प्रयास करो हरे कृष्ण मंत्र दीजिए उनको प्रसाद दीजिए और प्रभा जी का ग्रंथ वितरण कीजिए, ताकि यही इसका उनका मूल है बेस है ग्रंथ वितरण हरिनाम और प्रसाद। तो वही हम महाराष्ट्र पदयात्रा में हम प्रयास करें गुरु महाराज की कृपा से, अभी महाराष्ट्र हर गाँव गाँव में हम धीरे धीरे चलते हैं, और गाँव गाँव में हम जाके सेम ऑल इंडिया पदयात्रा जैसा हम शेड्यूल करते हैं, उसमें हम मंगल आरती करते हैं, मंगल आरती का दर्शन आरती गुरु पूजा होता है, फिर 10-12 किलोमीटर होगा तो हम प्रसाद के पहले निकलते हैं, और नज़दीक होगा 5-6 किलोमीटर तो प्रसाद खा के फिर हम निकलते हैं, दोपहर में पहुँचते हैं सब भक्त रेस्ट लेते हैं, फिर 5 बजे प्रसाद के बाद फिर गाँव में हम डेली नाम संकीर्तन करते हैं, नाम संकीर्तन के बाद एक चौक में हम सब भक्तों को
तो गांव वाले अनाउंसमेंट करते हैं कि ये चौक में आप आइए, यहाँ पे बहुत सुंदर प्रोग्राम होने वाला है, यहाँ पे रथ है, बहुत बड़े बड़े बैल है, भक्त लोग आए हैं, यहाँ पे सुंदर गौर आरती होने वाली है, आप आइए। गौर आरती बाद भगवद गीता या थोड़ा पर एक कलयुग का धर्म है, हरिनाम संकेतों के ऊपर थोड़ा महत्व भी बताया जाता है, जैसे तुकाराम महाराज जी के बारे में कुछ श्लोक लेके और प्रभुपाद जी के बारे में और गीता की भगवद गीता के बारे में कुछ ऐसा बताते हैं और उनको उपदेश देते हैं कि ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, ये मनुष्य जन्म दुर्लभ होने से हमको ये मनुष्य जन्म मिला है, उसमें हम भगवान की भक्ति करना चाहिए, विशेष करके एक कलयुग में हमको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, तो हम लोगों को बताते हैं। और ये प्रभुपाद जी की किताब है, आप ये किताब लीजिए, पढ़िए, आप पढ़िए, आपके फैमिली पढ़ेंगे, बच्चे लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, वो सब लोग पढ़ सकते हैं, उनका भी स्पिरिचुअल है ना, आगे भविष्य उनका बहुत अच्छा हो जाएगा ये पढ़ने से। तो आजकल तो हम बहुत सारा देख रहे हैं, टीवी है, मोबाइल है, सब बच्चे बिगड़ रहे हैं, हम लोगों को बताते हैं कि आप भी लीजिए और किताब पढ़िए, बच्चों को पढ़वाइए और आप नाम जप कीजिए कि कलयुग का धर्म है। तो नॉर्मली हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में हर गांव गांव में शाम को राम कृष्ण हरि भजन करते रहते हैं लोग, बाद में हरिपाठ भी करते रहते हैं, पर हम देखे हैं कि बूढ़े लोग ही लोग नॉर्मली करते हैं, युवा लोग नहीं करते हैं। तो फिर हम उनको बोलते हैं कि आप कुछ लोग वहाँ पे हमको दक्षिणा भी डालते हैं, कुछ 10 रुपये देते हैं, कुछ 20 रुपये देते, कुछ 100 रुपये देते, तो वो किताब नहीं लेना चाहते, फिर भी हम क्या करते, फिर वो जो उन्होंने दान दिया है उसके बदले हम प्रभुपाद जी का छोटा मोटा किताब देते हैं उनको, ताकि उनको फिर प्रभुपाद जी के बारे में, इस्कॉन के बारे में पता चले, फिर वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे वो प्रोग्राम हो रहा है। फिर शाम को हम जब अनाउंसमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग आते भी हैं, है ना, फिर प्रोग्राम के बाद उनको अच्छा लगता है, वो नाचते भी, हम उनको कभी उन्होंने नाचा नहीं होता कभी जिंदगी, मतलब नाचते कभी वो डालबी में कि किसी के शादी में या ज़्यादा करके गणपति या वो जो अलग अलग फेस्टिवल होता है उसमें लोग धंधा कुछ पिक्चर के गाना लगा के नाचते हैं, मगर वो जैसे स्पिरिचुअल ऐसा है जाते दिन करके में नाचते नहीं, फिर उसको में हम पता देंगे लोग, इसमें भगवान गोविंदा है, हाथ कर हाथ हाथ ऊपर किए, आप भी हाथ ऊपर कीजिए, हरे कृष्ण मंत्र लीजिए, मंत्र बोलते फिर हम बोलते फिर उड़ी मारो, फिर एक बार उड़ी मारते, फिर बोलते हम बोलते बार बार उड़ी मारो, बहुत अच्छा लगता है, फिर उनको भी फिर वो सबको एक दूसरे को देख हंस के फिर उड़ी मारने लगती है, तो उनको अच्छा लगता है ऐसा कुछ, बाद में उनको आरती के बाद हम प्रसाद देते हैं तो बहुत उनको अच्छा लगता है, फिर वो दान देते हैं तो हम किताब भी देते हैं, फिर कुछ लोग मंगल आरती में आते हैं तो हम उनको माला भी देते हैं जप करने के लिए। आप ऐसे ही डेली एक माला कंटिन्यू करो, हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं, ये नाम जप करने के लिए आपको कुछ नियम नहीं है, सुबह करो, शाम को करो, चैतन्य महाप्रभु आपको बहुत सारे सुर दिए हैं हमको, तो हम उनको बताते हैं, फिर वो माला लेते हैं, जप करते हैं। ऐसा महाराष्ट्र में अभी गुरु महाराज और सभी वैष्णव कृपा से पिछले 5 साल से तो चल रहा है, और हम सभी वैष्णव से कृपा याचना करते हैं और गुरु महाराज से भी कृपा याचना करते हैं, ऐसे ही आगे पर जाते चलने के लिए आप आशीर्वाद दीजिए। हरे कृष्ण।